अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है टाइम मैनेजमेंट का। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्लास में करना है, पेपर्स में करें, रिवीजन टाइम में करें? टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टाइम मैनेजमेंट ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट ऑफ अ टॉपर? अब क्या डिफरेंस है एवरेज स्टूडेंट की टाइम मैनेजमेंट में वो करता है, या टॉपर जो है वो टाइम मैनेज करके वो कैसे जो है वो स्मार्ट स्टडी करता हुआ टॉप और गोल्ड मेडलिस्ट और स्कॉलरशिप होल्डर हो जाता है? तो आज हम टाइम मैनेज करना सीखेंगे, हाउ कैन वी मैनेज आवर टाइम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग रिवीजन। रिवीजन जब हम कर रहे होते हैं, पेपर की तैयारी हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स को कितने सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को हमें प्रेफर करना चाहिए, किस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, और ये जो मोबाइल और सोशल मीडिया है जितना भी, उसे हम जो हैं वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, अरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम फेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो इसी शेर के साथ हम टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो, व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट, अब स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट हर स्टूडेंट का अपने अंदाज में होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा फलां जो है वो क्लास फेलो फिजिक्स को इतना टाइम देता है तो मैंने भी देना है। नहीं स्टूडेंट, सबसे पहले आपने प्रायोरिटाइज़ कर लेना है। प्रायोरिटी क्या है आपकी? प्रायोरिटी क्या होती है? बैलेंस्ड अप्रोच होती है। अब बैलेंस्ड अप्रोच स्टूडेंट्स क्या होती है, और हाउ कैन वी अप्लाई इट इनटू आवर लाइफ? बैलेंस्ड अप्रोच जिसको, और प्रायोरिटी क्या होती है? अब हमने सब्जेक्ट, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं जिसमें इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उर्दू है, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। और स्टूडेंट एक बार याद रखिएगा, कभी भी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट पर कुर्बान या सेक्रीफाइस ना कीजिएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के सारे मार्क्स मिलके तब आपकी डिवीजन बनती है, और तब जो है वो आपको रैंक मिलता है, आइदर टू बी द टॉपर ऑफ द एग्ज़ाम और टू बी द एवरेज स्टूडेंट ऑफ द एग्ज़ाम। ये दो चीज़ें टाइम मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि इफ़ वी वांट टू बी अ टॉपर और इफ़ वी वांट टू बी एन एवरेज स्टूडेंट, हम किस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो जो है वो एक टॉपर की वीडियो है, और ये टॉपर की वीडियो जो है वो आपको भी टॉपर बना सकती है, इफ़ यू फोकस इट एंड इफ़ यू फॉलो दिस वीडियो, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, और प्रायोरिटी क्या होती है, और बैलेंस्ड अप्रोच क्या होती है? स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट्स, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट टू गेट प्रोमिनेंट पोजीशन इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में अगर हमने टॉप करना है, प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल करनी है, तो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो अहमियत रखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो दूसरे से ज़्यादा नहीं है। अगर एक के 75 मार्क्स हैं तो दूसरे के भी 75 होंगे, 50 होंगे। तो ये सारे मार्क्स जो जब कैलकुलेट होंगे स्टूडेंट्स, जब इकट्ठे हो जाएंगे, तो तभी एक टॉपर बनता है। तभी जो है वो एक गोल्ड मेडलिस्ट का टाइटल आपके जो है वो फोरहेड पे लगता है, और तभी सोसाइटी रिकग्नाइज करती है डैट यू आर अ स्कॉलरशिप होल्डर। तो तभी सोसाइटी रिकग्नाइज करती है। अगर ये नहीं कि हम इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री को टाइम देते हैं, और उर्दू और इस्लामियात या किसी भी लिटरेचर वाला जो है उसको हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये आसान है, ये हम पढ़ लेंगे, तो उससे होता क्या है कि जो ग्रिप हमें वहाँ पे भी चाहिए होती है, वो ग्रिप हमें नहीं मिलती। तो इससे हमने एक सब्जेक्ट ये सीखा कि सारे सब्जेक्ट्स को हमने इक्वल टाइम देना है। अगर 10 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, कितने आवर्स की हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 10 आवर की स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कैसे टाइम मैनेज करना है? अब सबसे पहले स्टूडेंट आपको अपने आप को एवेल्यूएट करना है। यू हैव टू एवेल्यूएट टू ऑफ़ योर सेल्फ, ऑफ योर अबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। अपनी अबिलिटीज़ को देखें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आता है, और मुझे किस सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी है। डोंट ब्लाइंडली फॉलो अदर्स, किसी को भी ब्लाइंडली जो है वो आपने फॉलो नहीं करना। तो इस तरह सबसे पहले आपने अपना जो एनालिसिस करना है, सेल्फ एनालिसिस में आपने करना क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप उनको देखें कि उनमें आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो आपको आता है वो कौन सा है, और सबसे जो है वो जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग कम है वो सब्जेक्ट कौन सा है। अब आपने अगर अच्छे सब्जेक्ट को एक घंटा दे रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट जिसमें आप वीक हैं स्टूडेंट्स, उसको आप 2 से 2.5 घंटे दे सकते हैं। उसको आप कितने घंटे दे सकते हैं? 2 से 2.5 घंटे। और लेकिन वो सब्जेक्ट जिसपे आपकी कमांड है उसको मिस नहीं करना, उसको टाइम लाजमी देना।
कम टाइम दे दें, हाफ टाइम दे दें उस सब्जेक्ट से जिस पे आपकी कमांड नहीं है, उसको आप अगर 2-2.5 घंटे दे रहे हैं तो जो सब्जेक्ट आपको आता है उसको मैक्सिमम आप या कम से कम जो है वो आप 1.5 या 1 घंटा लाजमी दें, ताकि आपकी उस पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहे और ये भी सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से हो जाए। तो हमने ये सीखा कि जो सब्जेक्ट हमें, और बाज़ बात होता है कि वी आर बोर्ड, बाज़ बात होता है हम लोग बोर हो जाते हैं, वी डू नॉट वॉन्ट टू स्टडी, अक्सर होता है कि हम लोग जो है स्टडी करते करते बोर हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस, बोरियत है, एग्जाइटी है कि हम क्या करें और दिल भी नहीं कर रहा कि हम पढ़ें। तो स्टूडेंट अपने आप को वो ड्रीम जो आपने अपने लिए सेट किया है कि आई वांट टू बी SCSP ऑफिसर, आई वांट टू बी आर डिस्टिंक्टिव टीचर इन द सोसाइटी, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी इंजीनियर, अपने आप को रियलाइज करवाएं अपने ड्रीम्स, फोकस ऑन योर ड्रीम्स। तो हमेशा किस पे फोकस करें, ड्रीम्स पे फोकस करें, व्हेन यू आर बोर्ड उन चीज़ों पे फोकस करें, इन सर्कमस्टांसिस पे फोकस करें जो आपको फोर्स करते हैं, जो आपको फोर्स करते हैं कि आप कुछ बन जाए, तो बोरियत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट लें, उसको थोड़ी सी स्टडी करें और आपका मोमेंटम बन जाएगा, आपका टेम्पो बन जाएगा, और आपका टेम्पो जब बनेगा तो फिर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दें जो आपको नहीं आता। और एक बात स्टूडेंट आपने हमेशा अपने आप को याद करवानी है, और दिन में जितनी दफ़ा आपने स्टडी करनी है उतनी दफ़ा आपने ये बात याद करवानी है अपने आप को कि आई वॉन्ट टू हैव मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्ज़ाम, आई वॉन्ट टू बी अ टॉपर ऑफ द एग्ज़ाम, आई वॉन्ट टू बी अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द एग्ज़ाम, एंड फॉर दिस आई हैव टू स्ट्रगल हार्ड। इसके लिए मुझे क्या करनी है, कोशिश करनी है। स्टूडेंट बहरहाल अगर आप अपने आप को ये यकीन दिलाएंगे, अपने ख्वाब जो हैं, अपने ड्रीम्स जो हैं वो अपने आप को बताया करें, अपने आप को जब बताएंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो सोशल मीडिया का जो है, सोशल मीडिया जैसे फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है और फेसबुक है, और ये सारे जो है, जब आप अपने आप को ड्रीम्स को रियलाइज़ करवाएंगे, अपने आप को ड्रीम्स रियलाइज़ करवाएं कि आई हैव सम ड्रीम्स एंड आई हैव टू फुलफ़िल दोज ड्रीम्स, और मुझे उन ड्रीम्स को फॉलो करना है और मुझे उन ड्रीम्स को पूरा करना है। तो जब ये बार बार हर दिन जब आप उठें तो अपने आप को याद करवाएं कि मेरे कुछ ड्रीम्स हैं और मैंने वो पूरे करने हैं, और पूरे कैसे करने हैं, स्ट्रगल से, और पूरे कैसे करने हैं, हार्ड वर्क से। तो फिर आप देखिएगा कि योर ब्रेन विल बी सो अलर्ट टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, तो फिर आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपका माइंड जो है वो एक तरफ नहीं जाएगा, बल्कि आपका माइंड जो है वो फोकस्ड हो जाएगा, आपका माइंड स्टूडेंट्स हो जाएगा फोकस्ड, हो जाएगा फोकस्ड ऑन योर स्टडी। दिस इज़ द बेस्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। अगर हम कहें ना एक मंथ के लिए हम डिलीट करें फिर दोबारा नहीं, आप अपने आप को ये करें कि ड्रीम्स जो है वो ख्वाब ड्रीम्स ज़िंदगी में अगर पूरे करने हैं, लाइफ में पूरे करने हैं, अगर हमने कोई अचीवर बनना है, कुछ कामयाब सक्सेसफुल पर्सन बनना है, अगर हमने कुछ फ्रूट्स हासिल करने हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल पर्सन इन द सोसाइटी, इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन द इन माई फैमिली, फैमिली में मैं जो है वो सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, तो फिर ये जब चीज़ आपके माइंड में आएगी और बार बार आप अपने आप को याद दिलाएंगे इस चीज़ को, देन यू विल बी फोकस्ड, देन देर विल बी नो फोबिया ऑफ सोशल मीडिया, तब कोई फोबिया नहीं होगा सोशल मीडिया का, तब आपको सोशल मीडिया एक छोटी सी चीज़ लगेगी, टाइनी सी छोटी सी चीज़ लगेगी, और आपको लगेगा मेरे ड्रीम्स आर वेरी हाई, मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। तो फिर इसके बाद स्टूडेंट 10 घंटे अगर स्टडी, स्टूडेंट इज़ इट पॉसिबल टू स्टडी 10 आवर्स कंटिन्यूसली, ये मुमकिन है कि कोई जो स्टूडेंट है वो कंटिन्यूसली जो है वो 10 आवर्स तक स्टडी कर सके, नो, देर शुड बी इंटरवल। अगर हम कहते हैं ना 10 से 12 घंटे पढ़े, तो 10 से 12 घंटे लगातार नहीं पढ़ा जाता, आधा घंटा पढ़े, 5 से 10 मिनट्स की ब्रेक लें, उस 5 से 10 मिनट में आप क्या करें, आप जो है वो कुछ खा लें, वॉक कर लें, अपने आप को कुछ रिलैक्स करें, रिलैक्स करने के बाद दोबारा आएँ, दोबारा जो है वो उसी टॉपिक्स को रिवाइज़ करना शुरू कर दें। और स्टूडेंट मैंने आपको एक बात कही थी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी, कि जब आप स्टडी कर रहे हैं रिवीजन टाइम में, तो जो इम्पोर्टेंट मैप्स डायग्राम्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो एक पेज पर राइट कर लें, पेज पर राइट करके उस पेज उस क्वेश्चन के साथ स्टेपल कर लें, और पेपर से 5 से 6 डेज पहले वो सारे पेजेस जो हैं वो स्टेपल किए उतार के उनको सम अप कर लें। ये क्या हो गए, आपके नोट्स बन जाएंगे,
और ये नोट्स ये आप लोगों को बहुत बेनिफिट देंगे और ये आपका टाइम सेव करेंगे। और पेपर से तकरीबन एक घंटा पहले वो आप सारे नोट्स स्टडी भी कर सकेंगे, उनको रिवाइज भी अच्छे से कर सकेंगे और अपना सारा माइंड जो है फ्रेश भी कर सकेंगे, जिसमें डायग्राम्स भी होंगे, जिसमें पॉइंट्स भी होंगे, जिसमें आपके मैप्स भी होंगे, जिसमें आपके अशआर भी होंगे, जिसमें आपके वर्सेस भी होंगे, जिसमें आपके कोट्स भी होंगे। ये अभी से अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो पेपर्स के बिल्कुल एंड पे आप सारे पेजेस कलेक्ट करें, स्टेपल कर लें, अपने पास रख लें। ये फिजिक्स के हैं, ये बायो के, वो 10 से 15 पेजेस होंगे और आप एक घंटे में उनको रिवाइज़ कर सकेंगे। और जब आप उनको रिवाइज़ करेंगे तो आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आप जब पेपर में लिखने बैठेंगे देर विल बी नो स्ट्रेस, देर विल बी नो एंग्जाइटी ऑन योर माइंड एंड योर माइंड विल बी फ्रेश। आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा और आप अच्छे से कर सकोगे 10 आवर्स। अब अक्सर पूछा जाता है कि स्टडी के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी, स्टडी के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। अब स्टडी के लिए स्टूडेंट्स साइंटिफिकली प्रूवन है डेट 6 to AM, 6 o'clock से 4 o'clock से 6 o'clock तक AM, सुबह 4 से 6 बजे का टाइम जो है वो ऐसा टाइम होता है, नमाज के बाद का टाइम ऐसा टाइम होता है व्हेन यू योर माइंड इज़ रिसेप्टिव। तो उस टाइम को आप ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपको डिफ़िकल्टी है, क्योंकि उस वक्त माइंड जो है वो साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन डेट उस वक्त माइंड आपका इतना फ्रेश होता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इवन द डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट हैं वो आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन में 4 से 6 AM तक, 7 तक कर लें, इस ड्यूरेशन में आप ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करें, इस ड्यूरेशन में ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ें जिसमें आपकी कमांड कम है, जिसमें आपकी कमांड कम है। जब हमारा टाइम पीरियड था तो हम इंग्लिश हमें आती थी और टेंसेज आते थे तो हम इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देते। आप लोगों ने उस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है जिसमें आपकी कमांड है, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और उस टाइम को ज़्यादा उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें जिसमें आपकी कमांड कम है। इससे आपकी सब्जेक्ट डिवीजन बड़ी अच्छी हो जाएगी, अब तीसरी बात यह है, स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि हमें पढ़ा हुआ जो है वो भूल जाता है, जल्दी भूल जाता है। अब ये जो मैंने अभी आपको टिप दी थी ये ट्रिक था और सक्सेसफुल ट्रिक है और मैंने खुद से अप्लाई किया है और इसके बड़े यूज़फुल बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो टॉपर बनता है। ये टॉपर के पॉइंट्स हैं, व्यूज़ हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और ये मेरे अपने व्यूज़ हैं। और जिसमें ये है कि जब आप वो पॉइंट्स हर पेज के साथ अटैच कर लेंगे, हर क्वेश्चन के साथ आपके पॉइंट्स अटैच होंगे, तो क्या होगा जब आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें तो वो पॉइंट्स कितने, 15 मिनट में सारे पॉइंट जो हैं वो गो थ्रू करते रहें, 15 मिनट्स में गो थ्रू किए, बाकी टाइम जो है वो अपना आगे लर्न करने। ऐसे ही अगर आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपके माइंड में वो जो स्टोर है वो अच्छी तरह स्टोरेज हो जाएगी और आपको वो चीज़ें नहीं भूलेंगी। याद रखिए जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं फिर आप उसको प्रैक्टिस करें, राइट करके डायग्राम्स बनाएं, डायग्राम्स करके उसको लेबल करें, इससे आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो साइंस या पाकिस्तान स्टडी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें डायग्राम्स और मैथ्स जो है वो आप लाजमी इंक्लूड करेंगे और ये आपका पॉइंट्स बनाने जो हैं वो ऐसे में काम आएंगे, फर्दर स्टडीज़ में काम आएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स अपना जो है वो नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दें जिसमें आप कीवर्ड्स यूज़ करें, और कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें याद, एक कीवर्ड हमारे माइंड में आया सारे का सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है, सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। स्टूडेंट ये जो है बेहतरीन टिप है। और अगर कोई आपका सब्जेक्ट जो है, अगर कोई आपका पॉइंट मिस हो गया है, अगर कोई लेक्चर आपका स्टूडेंट मिस हो गया है, अगर आपका सब्जेक्ट मिस हो गया उस दिन आप एबसेंट थे, तो हाउ कैन, उसके जस्ट फोटोकॉपी करें और अपनी बुक के साथ अटैच कर लें, उसके भी पॉइंट्स निकालें, पेज उसके साथ अटैच करें, एंड में सारे पेजेस जो हैं वो सेपरेट करें, उनको जो है वो अच्छे तरीके से बाइंड करें। तो इस तरह जो है वो आप लोगों का स्टडी भी अच्छी हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। और टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छी करते हैं और 10 आवर्स तक तकरीबन पढ़ते हैं कंटिन्यूसली विद, जिसमें आप ब्रेक्स भी लेते हैं और ब्रेक्स लेके आप फोकस स्टडी करते हैं, फोकस स्टडी करने के बाद आप स्मार्ट स्टडी करते हैं, ये नहीं कि आप पढ़ी जा रहे हैं स्टडी करी जा रहे हैं, लेकिन
होता है ना कि बाज़ क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा मार्क्स के होते हैं, बाज़ क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज होते हैं। आपने प्रायोरिटाइज़ कर लेना है कि ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको ज़्यादा टाइम देना है। इनमें से जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट के तौर पर आते हैं, इनको हमने शॉर्ट के तौर पर तैयार करना है। इस तरह अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, कीवर्ड्स बनाएंगे, अपने पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, फोकस स्टडी करेंगे, फोकस स्टडी जिसमें मीडिया नहीं होगा, सोशल मीडिया। देखिए एक दफ़ा जब आप मोबाइल या सोशल मीडिया या फेसबुक या व्हाट्सएप खोलते हैं, एक दफ़ा ही खोलते हैं स्टडी के दौरान, एक ही दफ़ा खोलते हैं, आपकी सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और वो फुल अटेंशन लेने के लिए फिर आपको टाइम लेना पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को जो है वो हमेशा याद रखा करें कि कुछ अशार याद रखें, मोटिवेशनल अशार जो हैं वो अपने आप को याद करवाया करें। अपने आप को आप लोगों ने ये बिलीव करवाना है कि ये टाइम जो है मेरा सोशल मीडिया का टाइम नहीं है, ये मेरा टाइम जो है वो स्टडी का है, ये मेरा टाइम है अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने का, ये मेरा टाइम है अपने आप को कुछ मनवाने का, और ये मेरा टाइम है टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन द सोसाइटी, और इसमें जो है मुझे अपनी स्लीप कुर्बान करनी पड़ेगी। अपना टाइम स्केड्यूल और जिसमें आप जो फंक्शंस हैं, जो सोशल फंक्शंस आते हैं, उनको भी साइड लाइन पे करते जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी बेसिक प्रायोरिटी टाइम टेबल में होनी चाहिए आपकी स्टडी। स्टडी इज़ अ बेसिक थिंग। ये नहीं कि आप सारे फंक्शंस भी अटेंड कर रहे हैं, सब जगहों पे भी जा रहे हैं, उसके बाद आप ये तवक्को करें कि आई विल बी अ टॉपर। नो, यू कांट बी अ टॉपर। टॉपर नहीं हो सकते। टॉपर होने के लिए स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और फंक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शंस जिंदगी में आते रहते हैं, फंक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट योर स्टडी, योर करियर, योर फ्यूचर इज़ इंपॉर्टेंट। ये चीज़ अपने आप को याद करवाएं। ये डिस्ट्रैक्शंस सोशल मीडिया है, फंक्शन है, जो मेल जो है सोशल, जितना ज़्यादा हम सोशल होंगे उतना स्टडी से दूर होते जाएंगे। अपने आप को थोड़ा सा लिमिटाइज कर लें, जिसकी वजह से आपकी स्टडी, आपका टाइम टेबल, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है पेपर्स में, वो डेफिनेटली आपके काम आएगी, तब भी आप फोकस्ड होगे, सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे। अभी से टाइम मैनेजमेंट शुरू स्टार्ट कर दें, अपने टाइम टेबल बनाएं, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कर लें, जो आज सब्जेक्ट आप में वीक है उसको ज़्यादा टाइम दें, जिन सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं उनको भी पढ़ें। इस तरह करते हुए फोकस स्टडी करें, सोशल मीडिया से दूर रहें, फंक्शन से दूर रहें। तो इस तरह ये है, आपका ये बड़ा ही राइट टाइम है, ये ऐसा टाइम है जो कुछ बनने का है। और जिन स्टूडेंट्स ने ये सारी जो टिप्स और ट्रिक्स पे और मेथडोलॉजीज पे, टाइम मैनेजमेंट पे अमल कर लिया, और इंशाल्लाह दे विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, क्योंकि ये सक्सेसफुल होने के लिए दिस इज़ द फार्मूला, यही फार्मूला है, यही बेसिक फार्मूला है, क्योंकि यही टाइम मैनेजमेंट है जो सक्सेसफुल, जितने भी सक्सेसफुल पर्सनस होंगे आप देखेंगे कि उनमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को फिर लिमिटाइज़ कर देते हैं। सोशल मीडिया लिमिटाइज, फंक्शंस लिमिटाइज, सोशल इंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, सोशल इंट्रैक्शंस हैं, जितनी ज़्यादा होती जाएंगी उतना हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम क्वालिटी टाइम नहीं दे सकेंगे स्टडी को। जब क्वालिटी टाइम स्टडी को नहीं देंगे हमारे पॉइंट्स नहीं बनेंगे, जब पॉइंट्स नहीं बनेंगे कीवर्ड्स नहीं राइट होंगे, कीवर्ड्स नहीं राइट होंगे हमारे पास अपने से कुछ नहीं होगा, और फिर हम पेपर वाले दिन बुक सारी खोल के बैठे हैं और बुक में इतने पेजेस होते हैं, इतने पॉइंट्स होते हैं कि उस टाइम हम स्टडी नहीं कर सकते। एक दिन पहले अगर हम चाहें कि सारी की सारी बुक भी स्टडी कर लें, स्टडी शायद हो जाए और हो भी जाती है, लेकिन वो जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो रह जाती है। तो पॉइंट्स का ये फ़ायदा है, कीवर्ड्स का ये फ़ायदा है कि हम उसको कैसे 10 दफ़ा एक पेपर से 10 दफ़ा पहले हम रिवाइज़ कर सकते हैं, एक दिन पहले हम 10-20 दफ़ा रिवाइज़ कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम रिवाइज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे, और स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारा कुछ करने के बाद स्टूडेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें फिर अपने आप को एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट लाजमी करें स्टूडेंट्स, फोबिया ख़त्म करने के लिए। कौन सा फोबिया ख़त्म करने के लिए? पेपर्स का फोबिया ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का फोबिया ख़त्म करना है स्टूडेंट्स। डर, शिवरिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जितनी भी ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए क्या करें, अपने आप को एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट करने का स्टूडेंट एक मेथड है टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, जिसको मॉक टेस्ट का नाम दिया जाता है। एवेल्यूएट करने का सबसे अहम जरिया कौन सा है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो होते हैं स्टूडेंट, जैसे हमारे सेंडअप्स होते हैं कॉलेज स्कूल्स में, अब अक्सर सेंडअप्स चल पड़े हैं। दीज आर द बेस्ट वेज, जहाँ भी अकेडमीज़ में टेस्ट हो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में टेस्ट हो, जहाँ भी टेस्ट सेंटर्स में हो रहे हैं उनमें लाजमी बैठे। इससे ये होगा कि आप यूज्ड टू हो जाएंगे एग्जामिनेशन के इन्वायरमेंट से,
और जो वो स्ट्रेस और फोबिया की इन्वायरमेंट है, फोबिया एग्ज़ाम का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों को जब आप सेंटर्स देते हैं ना, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट जब हम आप देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। और नेक्स्ट पेपर में जिस अब अगर इस पेपर में थोड़ी सी कमी रह गई तो नेक्स्ट स्टैंडअप में या नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम वो क्लियर कर लेते हैं। जब एवेल्यूएट हो के टीचर हमें चेक करके देता है तो वो बताते हैं इसमें ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं, इसमें आपने ये पॉइंट्स मिस कर दिए, इसमें ये डायग्राम्स भी ऐड हो सकते हैं, इसमें मैप इस तरह से भी बन सकता है, इसमें पॉइंट्स इस तरह से भी ऐड हो सकते हैं, इसमें डायग्राम्स इस तरह से भी ऐड हो सकती हैं। तो आप नेक्स्ट स्टैंडअप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में और अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और वो यूज्ड हो जाते हैं। जब रियल एग्ज़ाम आता है यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट इन योर ऑन प्रेपरेशन, तो अपनी तैयारी में आप परफेक्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। और सबसे एंड में जो मॉक टेस्ट हैं, स्टैंडअप्स हैं, टेस्ट हैं, और वैल्यूएट ज़रूर करवाएं। वैल्यूएट करने के बाद अपने नेक्स्ट टेस्ट में वो चीज़ें आप इंक्लूड करें। इंक्लूड करते करते आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे, एक डेढ़ माह टेस्ट लाजमी उसे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। और हैबिचुअल होने के बाद जब आप रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आम टेस्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग टेस्ट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से ये सारे पॉइंट्स हैं और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहना है। फोकस रहने के बाद जो है वो स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। सोशल मीडिया को हमने प्रीफर नहीं करना, स्टडी को प्रीफर करना है। स्टडी को प्रीफर करना, 10 आवर्स लाजमी पढ़ने, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। सारे सब्जेक्ट को टाइम देने के बाद जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको सुबह 4 बजे से 6 बजे का टाइम रखें, उसमें आप स्टडी करें। उसके बाद सबसे एंड में आप अपने आप को एवेल्यूएट करवाएं। एवेल्यूएट करने का एक ही मेथड है कि आप टेस्ट दें। टेस्ट कैसे दें? स्टैंडअप्स दें। स्टैंडअप्स कैसे दें? अगर किसी ट्यूशन सेंटर में एकेडमी में टेस्ट हो रहे हैं वहाँ दें, अगर स्कूल कॉलेजेस में टेस्ट हो रहे हैं वहाँ दें। इससे आप जो है वो यूज़ टू हो जाएंगे, आपको अपनी शॉर्टकमिंग से अपनी कमियों और खामियों को पता चलेगा और नेक्स्ट टाइम जो है वो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। और इस तरह जो आपकी कमियाँ होंगी, जो आपकी खामियाँ होंगी, जो आपकी वीकनेसेस होंगी, वो मॉक टेस्ट में, वो स्टैंडअप्स में ही कवर हो जाएंगी। जब रियल एग्ज़ाम बैठेंगे तो रियल एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट बैठेगा वो और अच्छे से पॉलिश होगा और उसमें सारी जो कमियाँ कोताहियाँ थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। और एट द एंड ऑफ द डे योर रिजल्ट कार्ड, योर मार्कशीट विल प्रूव डेट यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू आर एन एक्सलेंट स्टूडेंट, यू हैव फुलफिल योर ड्रीम्स, यू हैव यूटिलाइज योर टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट को बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया, आपने सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दिया, आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से की, आपने जो 10 आवर्स थे 10 घंटे की स्टडी थी क्वालिटी टाइम दिया, आप फोकस रह के पढ़े, अपने आप को बार बार यकीन दिलाया डेट आई कैन डू, कि मैं कर सकता हूँ, और सोशल मीडिया और सोशल फंक्शन से दूर रहे, और जो है इसके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स 4 से 6 o'clock तक पढ़े, और एंड में जो है वो एवेल्यूएट किया, टेस्ट दिए, तो इट इज़ अ गारंटी डेट यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन नाउ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सेल्फ बेस्ड एक्सपीरियंस पे है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है, और इसी को फॉलो करते हुए जो है वो हर मैदान में जो है वो सक्सेस जो है वो अचीव की जा सकती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।